पीलीभीत लोकसभा चुनाव को लेकर सपा की पूरनपुर के आसाम हाईवे के पास राम होटल के सामने जनसभा हुई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीलीभीत बांसुरी नगर में आज विशाल जनसभा को संबोधित किया। पूरनपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे अखिलेश यादव भारी संख्या में भीड़ देखकर गदगद दिखे। पीलीभीत लोकसभा के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमलावर दिखे। वहीं उन्होंने कहा, सपा की जनसभा में लोगों का समर्थन देख दूसरी पार्टी के लोगों में खलबली मच गई है। वहीं अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने भाषणों में बीजेपी के लोगों पर तंज कसते हुए हमला बोला। कहा कि पीलीभीत का नाम सुनते ही भाजपा के नेताओं के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अपने माँ बाप और बहन से माफी मांग करके आत्महत्या कर ली, बताओ वो आत्महत्या करने वाले नौजवान क्या अब वापिस आ सकता है? कभी वो इसलिए हताश और निराश हुआ कि सरकार नौकरी नहीं दे पाई। केवल एक नौजवान की कहानी नहीं है, एक बेटी जिसको ये पता लगा कि परीक्षा कैंसिल हो गई, जैसे ही उसे जानकारी मिली कि पेपर की परीक्षा जो देकर के आई थी वो परीक्षा कैंसिल हो गई, उसने अपने घर परिवार के लोगों को कुछ नहीं बताया और जान दे दी। तो ऐसा उत्तर प्रदेश बन गया है जहां पर छात्र नौजवान निराश होकर के आत्महत्या कर रहा है, और ये सरकार वाले कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। उनकी बात पे भरोसा इसलिए नहीं है, उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे, क्या आज दोगुनी होगी? और जो रिजांगला जो हमारे मेमोरियल था जवानों का, क्या उस मेमोरियल को नई चीन की फौज ने तोड़ दिया? ये सवाल उससे भी बड़ा है। टिकट काट दी जो पीलीभीत में काम ही नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में साइड में कट्टे हैं, मुंबई बनाने का सपना दिखा रहे हैं, उन्हें टिकट। सवाल ये है कि यहाँ के किसान देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।